गाइस, मैं आज आपसे एक बात करने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जिस ऐप को लगभग हर कोई व्यक्ति यूज करता है अननोन नंबर्स को पता लगाने के लिए, और वो ऐप काफी ज्यादा प्रचलित भी है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ट्रूकॉलर के बारे में। जी हाँ, ट्रूकॉलर काम कैसे करता है, वो कैसे आखिर किसी भी अननोन नंबर को आपको झट से पता लगा के दे देता है कि ये कौन सा कि ये नंबर किस बंदे का है। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। तो मेरा नाम है आभास, आप देख रहे हैं आभास इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। तो शुरू करें फिर। कि ट्रू कॉलर क्राउडसोर्सिंग की मदद से काम करता है, जिस तरीके से गूगल का लाइव ट्रैफिक ऐप काम करता है उसी तरीके से। तो अगर आप पूछते हैं क्राउडसोर्सिंग क्या होती है, तो क्राउडसोर्सिंग जो होती है वो ये होती है कि आप ही का एक तरीके से डेटा निकाल कर आप ही की मदद करना। मतलब आप सोच के देखिए कि ट्रू कॉलर पर कितने सारे यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, और वो सभी के कॉन्टेक्ट्स उसमें सिंक हैं। तो एक तरीके से ट्रू कॉलर के सारे जो डेटा है वो सर्वर्स में फीड है। तो जैसे ही आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है, तो वो भले ही आपके नंबर में ना सही सेव, पर किसी ना किसी ट्रू कॉलर यूजर की डायरेक्टरी में तो सेव हो गई। तो उस डायरेक्टरी से वो सर्च करके आपको बताता है कि ट्रू कॉलर ये नाम किस तरीके से। पर क्या आप मानते हैं कि जो ट्रू कॉलर आपको नेम शो करता है वो 100% वर्क होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जो नेम आपको शो कर रहा है वो किसी ना किसी डायरेक्टरी का ही, किसी ना किसी कॉन्टेक्ट का ही वो शो कर रहा है। तो उस बंदे के कॉन्टेक्ट में उस जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेव कर लेता है, उस नाम को शो करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो नाम है किसी ने भैया करके, किसी ने बहना करके, या किसी ने किसी ब्रो अंकल या कैसे भी किसी ना किसी कर तरीके से सेव कर रखा है, तो वो आपको नाम उसी तरीके से शो होगा। तो या फिर उसने अपनी किसी तरह, तो इस तरीके से ही काम करता है ट्रू कॉलर जो है वो। एक तरीके से आपके डेटा को सिंक कर लेता है अपने कॉन्टेक्ट्स में, और सर्वर्स में वो सारा डेटा सेव हो जाता है। तो उसी की मदद से जब कोई आप किसी को, मान लीजिए आपका नंबर किसी के में सेव नहीं है, पर आपका नंबर बाकी किसी ना किसी कॉन्टेक्ट में तो सेव हो गई ना, तो उसने जिस नाम से आपका नंबर सेव कर रखा है, तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को कॉल करते जिसके पास आपका नंबर सेव नहीं है, तो उसको भी ट्रू कॉलर की मदद से पता चल जाएगा। तो ट्रू कॉलर इसी तरीके से काम करता है कि आपका नंबर आप उसके कॉन्टेक्ट में ना सही, पर किसी ना किसी मिलियंस ऑफ यूजर्स में से ट्रू कॉलर के किसी ना किसी यूजर्स के तो में तो हो गई। और ट्रू कॉलर सिर्फ स्मार्टफोन फीचर्स पर ही काम नहीं करता है। ट्रू कॉलर जैसे किसी का फोन, आपके किसी फैमिली मेंबर का, किसी भी दादा दादी या किसी का भी ऐसा मेंबर जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फोन है, तो उसका भी नंबर किसी ना किसी मिलियंस ऑफ यूजर्स में से एक ऐसा बंदा होगा जिसके में भी उसका नंबर शायद से सेव हो, तो उसके भी तो कॉन्टेक्ट सिंक हुए हैं ट्रू कॉलर के साथ। तो उसमें से वो सर्च करके आपको दिखा देगा कि ये कॉल स्पैम है या किसका भी है, इनका है या किसने आपको कॉल किया है, तो उसकी मदद से। तो हम अगर हम टेक्निकल तरीके से देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है किस तरीके से काम करता है, और मैंने आपको समझाया तो निश्चित से आपको समझ में आ ही गया होगा। पर अगर हम लोग एक नॉर्मल तरीके से देखें तो हम सोचते हैं अरे ये क्या होगा कि ये किस तरीके से ट्रू कॉलर ने सर्च करके आपको नेम दिखा दिया। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना, मतलब आप सोचते हैं कि यार मेरा तो ऐसे सिंक हो गया कॉन्टेक्ट और अब तो ये मतलब कि किसी भी तरीके से अनयूजेस कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप अगर उससे हटाना चाहते हैं, तो इसका भी ट्रू कॉलर आपको पूरी अथॉरिटी देता है। तो आप ट्रू कॉलर की वेबसाइट पर जाके वहां से अपने कॉन्टेक्ट को अनसिंक कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं मतलब कि वहां से आप अपने कॉन्टेक्ट को हटा सकते हैं, तो आप अगर किसी कॉल करेंगे तो आपका सिर्फ नंबर ही शो होगा, वहां पर आपका नाम नहीं शो होगा। तो अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ ट्रू कॉलर के बारे में, और तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपने कभी आज तक ट्रू कॉलर यूज किया है, क्या आपने आज तक कभी ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया है, यूज किया है, या आप कर रहे हैं ट्रू कॉलर अभी भी इंस्टॉल, या ट्रू कॉलर जैसे काफी सारे ऐप्स आते हैं तो उनमें से किसी ऐप को यूज कर रहे हैं क्या आप? तो इसी के साथ ही मैं हूँ आभास, विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट से कर लीजिए, और किसी भी तरीके के फटाफट अपडेट से वंचित ना रहने के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, लिंक दे दिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में।